चाची के प्यार में युवक ने अपनी पत्नी की ले ली जान। नवादा जिले के पकरी वारवा थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या का मामला प्रकाश में आया। बताया जा रहा है कि मृतका के पति दिनेश चौहान की उनकी विधवा चाची से अवैध संबंध था, जिसका विरोध किया करती थी। सोमवार की रात्रि इसी बात को लेकर पति पत्नी विवाद हो गया, जिसके बाद पति ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को गला दबाकर हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को गांव के बाधारचित कुएं में फेंक दिया। आज सुबह ग्रामीणों ने कुएं से शव होने की सूचना पुलिस को दिया, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने ससुराल के 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नवादा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। ये प्रसंग का है, मानी ये लड़की सहजपुरा के रहने वाली थी, नैहर सहजपुरा है, लेकिन वो बरियारपुर गांव में बसी हुई थी। लड़का ने उन नजायज ढंग से वो एक चाची के साथ वो रहता था, सब प्रसंग उसी के साथ, लड़की को कभी चाहता ही नहीं था। लेकिन किसी तरह से हम लोग समझौता भी किया, 2 बार पंचायत भी किया, लेकिन कभी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसका चाचानी का यही रास्ता हुआ कि जब तक इसको जान नहीं मारोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। लड़का ने आवेश में आकर लड़के का जान मार दिया सब और मार करके और कुएं का मालूम हुआ कि कुएं में फेंकी हुई थी। रात 10 बजे तक हुआ है, अपने पापा मम्मी से झूला मांगा, ठीक है बेटी जाए। आपका नाम क्या हुआ, क्या रहते हैं? लेकिन सवेरे क्या होता